फरुखाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों के आंकड़ों का खेल, फर्जी छात्र संख्या दिखा, हो रहा करोड़ों का घोटाला, छात्र संख्या कुछ, मिड डे मील कुछ, उपस्थिति कुछ, मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के आदेश के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश, जिलाधिकारी को सौंपी जांच रिपोर्ट। आंकड़ेबाजी का खेल, गमन सरकारी खजाने का, परिषदीय स्कूलों में फर्जी छात्र संख्या के आधार पर गबन, जांच रिपोर्ट सहित तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का बंदरबांट, छात्रों की ज्यादा संख्या दिखाकर बचे हुए सामान को बाजारों में दिया जाता है बेच, परिषदीय स्कूल में छात्र संख्या के फर्जी आंकड़े के आधार पर डीबीटी के जरिए से भेजे जाने वाले धनराशि में भी गबन, मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर कराई गई जाँच, 14,000 बच्चों का करीब निकलांतर, सीडीओ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट की तलब, 225 दिन खुलता विद्यालय, कन्वर्जन कास्ट, सामग्री, फल और आंगनवाड़ी का भुगतान, सभी आंकड़ों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का गबन का मामला आएगा सामने, अधिकारी बंद कमरों में बैठकर चला रहे विद्यालय, शिक्षक प्रधान और खंड शिक्षा अधिकारी कर रहे खे, मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का चढ़ रहा भेंट। स्कूलों में एडमिशन तो ऑलमोस्ट संतोषजनक है और अभी जो पूरा एडमिशन उन्होंने मॉनिटर किया था तो गत वर्ष से 14,000 के आसपास के वो है अंतर है, उसको हम लोग स्कूल चलो अभियान के माध्यम से उन्होंने फिर मोटिवेट किया है तो वो संख्या कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी जो फिजिकल अटेंडेंस है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार स्कूलों को विजिट कर रहे हैं सारे अधिकारी जाके, और उन बच्चों को भी मोटिवेट करके उनके गार्जियंस के साथ बैठ के पेरेंट्स मीटिंग करके कि बच्चों को अधिक से अधिक स्कूलों में भेजें। यहाँ पे कुछ इस तरह के सीजन में भी काम होते हैं, जैसे मूंगफली की और आलू की फसलें होती हैं तो छोटे बच्चों को भी उसमें लगा देते हैं, तो हम लोग उनसे पृथक करके बच्चों को मतलब स्कूल में भेजने के लिए मोटिवेट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसमें गार्जियंस को भी, और इन स्कूलों का भी सघन निरीक्षण किया जा रहा है, जहाँ पे अगर कहीं इक्के दुक्के कहीं दिखा जा रहा है कि कहीं फेक अटेंडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी एक आंदोलन चिन्हित हुए हैं जहाँ पे स्कूलों में इस तरह की चीज़ें आई हैं संज्ञान में कि जो वैक्चुअल अटेंडेंस है उसके इतर उन्होंने फेक अटेंडेंस दिखा रखी है, तो वो तथ्य संज्ञान में आए हैं और उनको निर्देशित किया गया बीएसए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, रिकवरी की भी आदेश करें। निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई फर्जी एप्लीकेशन होगा उसमें पाया जाएगा तो जो मिड डे मील से लेकर कन्वर्जन कास्ट तक सब कुछ रिकवर किया जाएगा, उनसे जो गलत तथ्य प्रस्तुत करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्चुअल स्तर ग्राउंड लेवल पर मेहनत किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि लोग भी प्रवृत्त हों उसमें बच्चों को अपने भेजने के लिए थोड़ा सा इच्छुक रहें, और जो बच्चे हैं उनको गांव में उनको अन्य गतिविधियों से पृथक करते हुए यहाँ पे भी स्कूल का वातावरण थोड़ा रोचक बनाएंगे हम लोग ताकि बच्चे आकर्षित हों वहाँ पर आएँ और पढ़ाई का स्तर भी थोड़ा बेहतर हो। क्या स्थिति है सर, जो बच्चे हैं क्यों नहीं पहुँच रहे हैं स्कूलों में, और एक्चुअली स्कूलों में